औरतों को हरासा करना हमारे समाज का एक अहम मसला है जो अब खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इस हरासमेंट की वजह से कई खवातीन अपनी मुलाजमत और तालीम से दस्तबरदार हो जाती हैं, लेकिन समाज में इसको अहम मसला नहीं समझा गया, जिसकी वजह से हरासमेंट के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया और खवातीन का घर से निकलना दुश्वार हो गया। इस सूरत हाल को देखते हुए सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ तंजीमों ने आशा के नाम से एक नेटवर्क बनाया और मिलकर काम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने कानून साजी की, हमारी औरतों को राइट नहीं मिल रहे और यही एक तरीका है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको राइट मिले। पहले 509 में ये था कि औरत को छेड़ाखानी करना है, जो औरतें जॉब करती हैं किसी भी इदारे में उसको तंग करना, उसको हरास करना, तो उसकी एक साल उसकी सजा थी। पाकिस्तान पेनल कोड के दफा 509 के तहत ये एक काबिले सजा जुर्म है, जिसकी सजा 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है। ये कानून बस स्टॉप, मार्केट, खेतों में काम करते हुए, राह चलते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए या फिर मुख्तलिफ इदारों में हर जगह लागू है। खवातीन को जब भी हरासमेंट का सामना हो तो वो पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करा सकती हैं। अगर किसी वजह से थानेदार FIR दर्ज ना करे तो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो अदालत से रुजू करे। अदालत पुलिस को फौरन FIR दर्ज करने का हुक्म देगी। इस संगीन जुर्म के खिलाफ खवातीन को चाहिए कि वो उठ खड़ी हों और इस कानून की मदद से अपना तहफ्फुज हासिल करें, ताकि खवातीन किसी भी शोबे में काम करते वक्त अपने आप को मुकम्मल महफूज समझें। ओ दिल बारो चली मारे चली पई करे ओ दिल को यार ले को।